महनूर, चेहरा तो देखो अपना, बिल्कुल पीला हो गया है। साला तुम्हें नहीं पता मुझे कितना डर लग रहा है, अगर मामा ने इनकार कर दिया तो। अरे क्यों करेंगी इनकार यार, आखिर मेरे भाई में कमी ही क्या है, इतना हैंडसम है, ऊपर से डॉक्टर भी है। तुम नहीं जानती मेरी मामा को, अपने रिश्तेदारों में मेरे रिश्ते की बात की है और अपने फैसले से यूं पलटती नहीं है वो। मानूर, मैं ताईजान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, सुहेब है ना यार, सब संभाल लेगा। अब तो मुस्कुरा दो। मुझे जब तक नहीं पता चलेगा कि नीचे क्या बात हो रही है, मेरे चेहरे पे ये परेशानी खत्म नहीं होगी। तो चलो देख कर आते। पागल तो नहीं हो गई तुम, मरवाओगी क्या? मैं नहीं जा रही कहीं। मानूर कसम से ना, तुम बहुत बड़ी डरपोक हो, चलो ना, कुछ नहीं होता। नहीं भाई मैं नहीं जा रही कहीं। ठीक है, तुम यहीं बैठ के रोती रहो, मैं देख के आ जाऊंगी। सारा तुम्हें याद नहीं है मामा ने क्या कहा था? जब तक नीचे बड़े बात कर रहे हैं, हम में से किसी को इजाजत नहीं है कि हम नीचे जाएं। अच्छा एहसन कहाँ है? एहसन तो तुमसे भी बड़ा डरपोक है, सुबह से हॉस्पिटल में और अभी भी कॉल की तो कहता है कि भाई मैं तो नाइट शिफ्ट करूंगा। पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का। तुमने मोहब्बत नहीं की ना, तुम नहीं समझ सकती। महानूर मैं तुम्हारी इतना डरपोक नहीं हूं, जिस दिन मोहब्बत करूंगी अपनी लड़ाइयां खुद लड़ लूंगी, देख लेना। अच्छा देखते हैं। अब चले, तुम पहले जाओ। यार भाभी जान, इस घर के सभी फैसले हमेशा आप ही ने किए हैं, अब भी आप जो भी फैसला करेंगी हमें हमें कोई एतराज नहीं होगा। जाहिर है आप बेटी की माँ हैं, मगर हमारे लिए इस घर की बड़ी हैं। जानती हूँ ये सब बातें तुम मेरा मान रखने के लिए कर रहे हो ना, वरना बच्चे तो पहले ही फैसला कर चुके हैं। भाभी एक दूसरे को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है, बहरहाल आपकी जो मर्जी होगी, ये नया रिश्ता पुराने रिश्तों को और भी मजबूत कर देगा। मामा चाची ठीक कह रही हैं, मानूर की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है, और आप उसके लिए परेशान भी हो रही थी ना, आपको तो खुश होना चाहिए। एहसन को आप बचपन से जानती हैं, आप उस पर भरोसा कर सकती हैं मामा। भाभी जान अगर आपको सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं, क्यों समीना? जी जी बिल्कुल, जैसे आप लोगों की मर्जी। मामा आप जो भी कहेंगी, किसी को कोई इतराज नहीं है, मानूर को भी नहीं, मगर मैं जानता हूँ मानूर से बहुत मोहब्बत करती है। मामा अब आपका फैसला है, आप मानूर की आंखों में आंसू देखना चाहती हैं या खुशी? देखा भाभी, हम लोगों से समझदार तो आजकल के बच्चे हैं। ठीक है, जब तुम सब लोगों की यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, मुझे रिश्ता मंजूर है। नहीं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे भाई जाओ कोई मिठाई लाओ, तो मिठाई का मौका है। नहीं मैं लाती हूँ। पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही होंगी, मुझे डर लग रहा है कहीं मामा। प्लीज एहसन कोई ऐसी वैसी बात नहीं कीजिएगा प्लीज, मैंने सुना है कोई भी लम्हा कबूलियत का हो सकता है। सारा क्या बना, क्या बात हुई? ताईजान तो बहुत गुस्से में थी, कह रही थी एहसन की इतनी हिम्मत। तुम हंस क्यों रही हो? शक्लें देखो दोनों अपनी, मजाक कर रही थी यार, हाँ कर दिया ताईजान ने। गॉड सारा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुमने मेरी जान निकाल दी थी यार। Well, congratulations. Thank you so much. Congratulations. Thank you.
मुझे भी बोलो। थैंक यू सो मच सारा, तुम्हारे सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। ऑफ कोर्स, यू आर वेलकम।